हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम कवर करेंगे इसमें एक थ्योरी, द ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स रिटन बाय मिशेल फुकॉल्ट। बेसिकली आपके सिलेबस में द पेज नंबर्स दैट आर इंक्लूडेड आर 48 टू 78, और उन्हीं की मैंने एक समरी बनाई है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। पहले हम जान लेते हैं मिशेल फुकॉल्ट के बारे में। तो बेसिकली ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड सोशल थ्योरिस्ट बॉर्न इन 1926। ये जाने जाते हैं फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ पावर, नॉलेज एंड डिस्कोर्स इन हिज लिटरेरी वर्क्स। इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें से कुछ है डिसिप्लिन अनपनिश, और यही वर्क्स हैं जो वो आज तक भी बहुत सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, बहुत ही इनकी लिटरेरी सिग्निफिकेंस है। सो लेट अस बिगिन नाउ बैकग्राउंड ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स का। इसमें हमें बताया जाता है कि कैसे हमें हिस्टोरिकल सिस्टम्स को पढ़ने के बजाय हमें ये पढ़ना चाहिए कि पावर डायनामिक्स कैसे हैं, कैसे हमारी जो पावर है वो लैंग्वेज के थ्रू अलग अलग सिस्टम्स में बटी हुई है। सो द पर्पस ऑफ राइटिंग द ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स इज टू एक्सप्लोर हाउ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। अब हमें ये देखना है कि कैसे लैंग्वेज यानी कैसे एक भाषा और कैसे उस भाषा से आपस में कन्वर्स करना, कैसे ये चीजें हमें हेल्प करती हैं हर चीज की सच्चाई को अच्छे से जानने में। अभी तक भी आपको ढंग से क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे चलते चलते आपको क्लियर हो जाएगा कि इस थ्योरी में क्या समझाने का ट्राई किया जा रहा है। सो द की कॉन्सेप्ट्स हियर आर प्रोहिबिशन, डिविजन एंड ट्रूथ वर्सेस फॉल्सहुड। हमारी सोसाइटी में लैंग्वेज के थ्रू ही कुछ टॉपिक्स जैसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करना या सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकता। आगे है डिविजन। कोई इंसान कोई कारण दे रहा है किसी चीज का, कभी कभी उसको पागलपन बोल दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि सोसाइटी को समझना होगा कि एक रीजनिंग देना, किसी बात का रीजन देना, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस द इनर वॉइस, और ये मैडनेस नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रूथ वर्सेस फॉल्सहुड। फुकॉल्ट ये बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है थ्रू लैंग्वेज। कभी कभी कुछ चीजें लिखी जाती हैं वो असलियत में सच नहीं होती, दे आर नॉट फैक्ट्स। नेक्स्ट इज इंटरनल डिस्कोर्स प्रोसीजर्स। ये कहते हैं कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना, उनको डिकेड बाय डिकेड, सेंचुरी बाय सेंचुरी रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। और ऐसे डिस्कोर्सेस को इसलिए रिपीट किया जाता है क्योंकि ये हमारे कल्चर में, सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो मेंटेन होना, सबको पता होना, हर जनरेशन को पता होना इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए कभी कभी अलग अलग डिस्कोर्सेस को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डरिंग। ये कहते हैं कि अलग अलग डिस्कोर्सेस को, जैसे कि कोई डिस्कोर्स जेंडर के होता है, यानी कि कोई जो थ्योरी है वो जेंडर के ऊपर लिखी जाती है, कोई थ्योरी एडुकेशन के ऊपर लिखी जाती है, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी जाती है। तो ये कहते हैं कि हम क्लासिफाई कर देते हैं कि हम क्या चीज, कौन सा डिस्कोर्स हम किस चीज के ऊपर, किस एस्पेक्ट के ऊपर लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्लूइड डिफरेंशिएशन। ये कहते हैं, सोचो, आज एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने आज कोई बुक लिखी और वो बुक लोगों ने पढ़ी और पसंद करी, पर आगे चल के आफ्टर अ डिकेड और टू या शायद 50 साल बाद कोई इंसान ने उस बुक पे अपनी कमेंट्री दी, अपना उसने अपनी एक बुक लिख दी जिसमें वो क्रिटिसाइज कर रहा है मेरी बुक को और दूसरे बुक्स को भी, तो जो मेजर टेक्स्ट था मेरा वो ब्लर हो गया और जो कमेंट्रीज थी उन्होंने एक मेजर पार्ट ऑफ सोसाइटी को ले लिया। तो यही बात बताई जाती है कि थ्रू लैंग्वेज हर थोड़े टाइम में डिस्कोर्सेस चेंज होते रहते हैं। सम टेक्स्ट कैन गो ब्लर एंड सम कैन प्रोसीड। नेक्स्ट इज प्ले ऑफ कॉमेंट्री। अगर किसी टेक्स्ट पे कोई क्रिटिक अपनी जो थिंकिंग है उसको प्रेजेंट ही नहीं करेगा तो देयर विल बी नो डिस्कोर्स, और अगर डिस्कोर्स नहीं होगा तो एक तरीके से लैंग्वेज में कुछ प्लेफुल नहीं हो पाएगा, और कोई बोलते हैं ना कि वाद विवाद नहीं होगा या फिर किसी भी तरीके की कोई न्यू थिंकिंग अराइज नहीं हो पाएगी। इसीलिए
कॉमेंट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स. मूविंग फॉरवर्ड, इट इज रोल ऑफ द ऑथर. आजकल या आप ये बोल सकते हैं काफी टाइम से भी जो द थिंकिंग ऑफ ऑथर, द टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट दे राइट इज चेंजिंग. पहले लिखा जाता था फॉर द ट्रूथफुलनेस और अब लिखा जाता है ताकि कोई लिटरेरी डिस्कोर्स बने, ताकि उस पर कोई ना कोई चर्चा हो. मूविंग फॉरवर्ड, इट इज कंट्रोल मैकेनिज्म. फुकोल्ट यहाँ बताते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म्स, अलग अलग तरीके के तरीके निकाल लिए गए हैं ताकि इन डिस्कोर्सेस को कंट्रोल में रखा जाए. कभी कभी कोई डिसिप्लिन को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है ऑथर्स के द्वारा, ताकि डिस्कोर्स ही पैदा ना हो. ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं ताकि एक हेल्दी एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे हमारी लैंग्वेज का. मूविंग फॉरवर्ड, इट इज द लास्ट स्लाइड हियर. थ्री प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल. Traditional notions like the author, discipline and truth are seen as sources of discourse, but they actually function to cut up and rarefy discourse rather than enrich it. पहले ये माना जाता था कि अगर हम कोई particular discipline follow कर रहे हैं या truthfulness है हमारे अगर text में, तो उससे discourses होंगे. पर actually में इन जब हम truthfulness maintain करके रखते हैं तो डिस्कोर्सेस कम हो जाते हैं. तो आपस में जो ये जो क्रिटिक्स हैं ये भी कम लिखते हैं उनके बारे में कम उनको पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. बेसिकली डिस्कोर्सेस कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है कि हमें कोई डिस्कोर्स होना इम्पॉर्टेंट है, नहीं होगा तो कोई टेक्स्ट कम्प्लीट नहीं है, ऐसा नहीं होता. रादर discourses is a discontinuous practice कि कभी कभी कोई critic अपनी point of view दे देता है किसी book के ऊपर, और इसी से कुछ intersection होती है हमारी languages में जिससे discourse start होते हैं. Next is principle of specificity. पहले से ही decided नहीं होता कि अगर मैं ये book लिखूंगी कोई इस पे commentary लेगा और उसके बाद ये discourse हो जाएगा. No, it is the conditions that follow the text. क्या conditions हैं, क्या किस बारे में बात हो रही है text में, this is the thing जिस पे हमारे discourses dependent होते हैं. And that was the end of this video. Thank you.